अ क्वेश्चन इज शो दैट अ पॉजिटिव लॉजिक नैंड गेट इज अ नेगेटिव लॉजिक नोर गेट एंड वाइस वर्सा. मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि एक पॉजिटिव लॉजिक नैंड गेट जो होता है वो नेगेटिव लॉजिक नोर गेट के इक्विवेलेंट होता है. तो उसके पहले हमें क्या समझना होगा कि पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक होता क्या है. अब हमें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो बिट्स होती हैं, जीरो और वन. ये जीरो और वन पर ही पूरी वर्किंग होती है. इन्हीं से मिलकर बड़े बड़े नंबर्स, अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स, कुछ भी वर्ड्स वगैरह बनते हैं. ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या पता है, जीरो और वन. अब हम लोग अभी तक हमें क्या पता है कि जीरो का जो मतलब होता है वो क्या होता है, लो, और वन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हाई. अब ये लो और हाई क्या है, लो वोल्टेजेस है, लो और हाई वोल्टेजेस है. ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या समझते हैं कि लो वोल्टेजेस का मतलब जीरो, लॉजिक जीरो. ये क्या है, लॉजिक. ठीक है, तो लो वोल्टेज मतलब लॉजिक जीरो, हाई वोल्टेज मतलब लॉजिक वन. अब ये वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है. अब वो लो वोल्टेज का मतलब जीरो भी हो सकता है, हाई वोल्टेज का मतलब प्लस फाइव भी हो सकता है. जरूरी नहीं, नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं लो वोल्टेज मतलब जीरो वोल्टेज और हाई वोल्टेज मतलब प्लस फाइव वोल्ट. ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. लो वोल्टेज इट डिपेंड्स ऑन मशीन. अब लो वोल्टेज का मतलब जो है, हो सकता है कि लो वोल्टेज का मतलब क्या हो, प्लस फाइव हो, और हाई वोल्टेज का मतलब क्या हो, प्लस टेन हो या कुछ और हो. ठीक है, तो लो और हाई का मतलब क्या है, लॉजिक जीरो, और हाई वोल्टेज का मतलब क्या है, लॉजिक वन. तो ये जो कंसेप्ट होता है ये किसके अंदर होता है, पॉजिटिव लॉजिक के अंदर होता है. मतलब पॉजिटिव लॉजिक का मतलब क्या होता है, लो वोल्टेज मतलब लॉजिक जीरो और हाई वोल्टेज मतलब लॉजिक वन. अब ये लो और हाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये हम अभी नहीं देखेंगे. तो कुल मिला के पॉजिटिव लॉजिक का मतलब लो वोल्टेज अगर हमने दिया है तो लॉजिक क्या होगा, जीरो. लॉजिक वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. और हाई वोल्टेज का मतलब क्या होगा, लॉजिक वन होगा. अब मैक्सिमम मशीन से, मैक्सिमम सिस्टम्स में यही कंसेप्ट यूज होता है. लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक यूज होता है. अब ये नेगेटिव लॉजिक का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव लॉजिक का मतलब क्या होता है, लो का जो मतलब होता है उन सिस्टम्स में क्या होता है, लो वोल्टेज का मतलब क्या होता है, लॉजिक वन, और हाई वोल्टेज का मतलब क्या होता है, लॉजिक जीरो. ठीक है, तो अब पॉजिटिव, अब यहां पर लो और हाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब इन वोल्टेजेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है, हो सकता है हमने लो की वैल्यू 5 दी हो, हाई की वैल्यू 10 दी हो. हो सकता है हमने लो की जो वैल्यू है वो क्या दी हो, -2 दी हो, हाई की वैल्यू क्या दी हो हमने, -1 दी हो, कुछ भी दी हो. मतलब ये मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, पॉजिटिव और लॉजिक के, नेगेटिव लॉजिक के बीच में डिफरेंस. वो डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव लॉजिक मतलब लो का मीन्स लॉजिक जीरो, हाई का मीन्स लॉजिक वन. नेगेटिव लॉजिक में क्या होता है, लो का मीन्स लॉजिक वन और हाई का मीन्स लॉजिक जीरो. ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर, अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पॉजिटिव लॉजिक नैंड गेट और नेगेटिव लॉजिक नोर गेट. मतलब हमें पहले ये नैंड और नोर गेट समझने क्या होते हैं. अब अभी हमने क्या देखा कि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के बीच में हमने क्या देखा, डिफरेंस देखा. पॉजिटिव में क्या होता है, लो ये हाई है ना. पॉजिटिव में क्या होता है, लो का मतलब लॉजिक जीरो और हाई का मतलब लॉजिक वन. नेगेटिव में क्या होता है, लो का मतलब लॉजिक वन और हाई का मतलब लॉजिक जीरो. ठीक है, ये होता है. अब हमें सबसे पहले क्या बनानी है, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है. ओके, तो अब हम दो वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं, हमारे कौन से हैं, ए और बी, दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो अब हमें बनानी किसकी है, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है. अब ए और बी अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, लो लो, मतलब दोनों को ही क्या दिया जाए, लो वोल्टेज दिया जाए, या तो फिर लो हाई, मतलब दोनों को ही क्या दिया जाए, मतलब एक को लो एक को हाई वोल्टेज, फिर या तो हो सकता है हाई लो, या फिर क्या हो सकता है, दोनों को ही हाई वोल्टेज दिया जाए. ओके, अब पहले हम एंड गेट के बना लेते हैं. तो अब एंड गेट ए डॉट बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड गेट क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है. अगर दोनों ही लो होते हैं तो हमें क्या मिलता है, लो. लो हाई पर भी हमें क्या मिलता है, लो. हाई लो पे भी हमें क्या मिलता है, लो ही मिलता है. लेकिन जब दोनों ही हाई होते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाई मिलता है. अब अगर हम नैंड गेट की बात करें तो वो क्या होता है, एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है. तो अब यहां पर लो की जगह हाई आ जाएगा और हाई की जगह क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा. तो ये तो हमने क्या बनाई, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाई.
अब हम बनाते हैं नोर गेट की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो नोर गेट की जो ट्रुथ टेबल होगी वो कैसी होगी, वो क्या होता है, ओर का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब यहां पर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, ए और बी, यही है। अब इनकी वैल्यूज लो लो लो, हाई हाई, लो और हाई हाई, ये हो जाएंगी। अब ओर मतलब ए प्लस बी। अब यहां पर लो लो मतलब लो, लो हाई मतलब हाई, मतलब अगर दोनों में से एक भी हाई है तो आउटपुट क्या आएगा, हाई ही आएगा। इसके बाद में ये भी हाई, ये भी हाई। अब नोर मतलब इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, तो अब यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट, और का कॉम्प्लीमेंट हाई लो लो लो, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो हमने हाई लो के फॉर्म में लिखा है। अब अगर हम इनकी लॉजिकल वैल्यूज लिखें तो अब हम क्या करते हैं, इसी को लॉजिकल पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो पहले हम क्या करते हैं, नैंड का पॉजिटिव लॉजिक फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब इस नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को। अब यहां पर देखो क्या है, पॉजिटिव लॉजिक का मतलब क्या होता है कि लो का मतलब जीरो, हाई का मतलब वन। तो अब हम क्या करें, जहां जहां पर एल है वहां वहां पर जीरो लिख दें, और जहां जहां पर एच है वहां वहां पर हम क्या लिख दें, वन लिख दें। तो अब जो पॉजिटिव लॉजिक के फॉर्म में जो ट्रुथ टेबल कन्वर्ट होकर हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो यहां पर हो जाएगा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब यहां पर भी हम देखें तो अब ये क्या है, नोर का नैंड का आउटपुट है, तो क्या आ जाएगा, वन 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 जीरो आ जाएगा। तो वन 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 जीरो, तो ये आया पॉजिटिव लॉजिक के फॉर्म में। अब नेगेटिव लॉजिक का मतलब क्या होता है कि लो का मतलब क्या होता है, वन होता है, और हाई का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। तो अब जहां जहां पर भी एल है वहां हमें वन लिखना है, और जहां जहां पर भी एच है वहां हमें क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो अब क्या हो जाएगा, वन 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 जीरो जीरो वन और जीरो जीरो हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहां पर, वन 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 जीरो जीरो वन और जीरो जीरो हो जाएगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो 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 वन आ जाएगा। तो ये आ गया जीरो 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 वन आ गया। अब इसी तरह से नोर गेट के लिए भी हम बनाए, तो नोर गेट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जहां जहां पर एल है वहां वहां पे हम जीरो लिखे, और जहां जहां पर हाई है वहां पे हम क्या लिख दें, वन लिख दें। तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया। अब नोर गेट का जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा था, ये आ रहा था एच और ट्रिपल एल, तो हमें क्या लिखना है, वन और फिर ट्रिपल जीरो लिख देना है। अब नेगेटिव लॉजिक के फॉर्म में अगर हम इसी चीज को लिखें, तो अब हमें क्या करना है, नेगेटिव लॉजिक के फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना है, जहां जहां एल है वहां वन, और जहां जहां एच है वहां पे जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो, ये हो जाएगा। अब यहां पर एच और ट्रिपल एल है, तो हमें क्या लिखना है, जीरो और ट्रिपल वन लिखना है, तो जीरो और ट्रिपल वन। तो अब अगर हम नोटिस करें तो देखो, पॉजिटिव लॉजिक ऑफ नैंड गेट ये है, ये क्या है, पॉजिटिव लॉजिक ऑफ नैंड गेट, और ये क्या है, नेगेटिव लॉजिक ऑफ व्हाट, नोर गेट, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव लॉजिक ऑफ नोर गेट। तो ये दोनों हम नोटिस करें तो क्या है, इक्वल, ये दोनों ट्रुथ टेबल्स क्या है, इक्विवेलेंट है। किस तरह से इक्विवेलेंट है, देखो यहां पर भी वन वन पे हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, यहां पर भी वन वन पे हमें जीरो मिल रहा है, और बाकी हर जगह हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो बाकी हर जगह हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो ये दोनों ट्रुथ टेबल्स क्या है, इक्विवेलेंट। मीन्स पॉजिटिव लॉजिक ऑफ नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव लॉजिक ऑफ नोर गेट। इसी तरह से ये दोनों टेबल्स भी क्या है, इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है, यहां पर सॉरी ये वन वन है, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो वन वन पे हमें क्या मिल रहा है, ओनली जीरो जीरो पे हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, सिर्फ जीरो जीरो पे ही हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, और बाकी हर जगह हमें क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है। तो इसी तरह से नेगेटिव लॉजिक ऑफ नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव लॉजिक ऑफ नोर गेट।